ये है iPhone 15, कोई 1.5-2 महीने यूज किया हुआ फोन नहीं है। ये डब्बा ओपन करने के बाद वाला फोन है। 10-5 हजार रुपए का फोन नहीं है, 1.5 लाख रुपए का फोन है, और किसी टुच्ची मुच्ची कंपनी का नहीं है, एप्पल कंपनी का है भाई साहब। अबे एप्पल वालों, क्या तुम कुछ करके नहीं खाना चाहते अब क्या भाई? EU में, UK में और चाइना में कुछ फोन लॉन्च हुए थे जहां पर प्री ऑर्डर ही कर दिए चौड़ में लोगों ने, कि हाँ अब रो रहे हैं सुसरे भाई। ट्विटर पर रोवाराट मचा हुआ है। आईफोन 15 की बिल्ड क्वालिटी इतनी घटिया है, टाइटेनियम कह कह के बेच रहे हैं भाई। फिजिकल डैमेज देखने को मिल रहे हैं, डर्ट देखने को मिल रहा है, कैमरा लेंसेज में धूल घुसी हुई है, अरे कलर छूट रहे हैं सुसरे के, और तो और कैमरे का अलाइनमेंट ही टेढ़ा हो गया, आंख ऐसे तिरछी सी हुई पड़ी है। अरे एप्पल वालों, तुम कुछ करके नहीं खाना चाहते क्या बिल्कुल भी? अरे भाई 1.5 लाख रुपए दे रहे तुम्हारे भरोसे पे लोग, और तुम क्या भांग मार के बैठे हो क्या? iPhone 15 एल्यूमिनियम की बॉडी है और iPhone 15 प्रो की टाइटेनियम की बॉडी है, और टाइटेनियम पर फिंगरप्रिंट छप जा रहे हैं। एल्यूमिनियम की ले लेंगे ना हम, तुम टाइटेनियम के एक्स्ट्रा पैसे दे भी क्यों रहे हो और तुम ले भी क्यों रहे हो? और यहाँ पर एप्पल वाले कहेंगे तुम्हारी उंगली में ही दिक्कत है, अपनी गलती ये मानेंगे नहीं क्योंकि कभी मानी भी नहीं है। बताए iPhone 4 लॉन्च हुआ था तो उसमें इनके डिजाइन में एक टट्टीपना था, ऐसे फोन को पकड़ते थे तो एक कंप्लेंट आई कि जब कॉल कर रहे हैं तो साला नेटवर्क चला जाता था। तो लोगों ने कहा यार ये फोन में दिक्कत है, नेटवर्क में दिक्कत है, जब हम फोन करते हैं कॉल करते हैं तो नेटवर्क में दिक्कत आती है। फिर फोन को चेक हुआ, फिर कुछ डेवलपर आए जो अंदर घुस के देखा, तो उन्होंने बताया कि जो उसका एंटीना था ना वो राइट हैंड पे नीचे की तरफ लगा दिया, और जैसे पकड़ते हैं ना तो वो दब जाता है, और ऐसे में नेटवर्क प्रॉब्लम होता है और कॉल नहीं मिलती है। तो एप्पल वालों ने पता क्या कहा, अरे तुम फोन को पकड़ ही गलत रहे हो, फोन को ऐसे पकड़ते हैं। अबे तुम सुसरो सुन भी रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो, क्या करते हो तुम, इतनी बड़ी कंपनी हो, कौन सा चरस मार के ये बातें आ रही हैं? और ये जो कलर छूट रहा है, पहली बार नहीं छूट रहा, आईफोन 11 12 में रेड वाला कलर आया था वो भी छूट रहा है। अबे कौन सा टट्टी पेंट यूज करते हो भाई तुम, अब तुम्हारे 1.5 लाख रुपए के फोन के रंग छूट रहे हैं, थोड़ी सी शर्म नहीं आ रही तुम्हें? इसके अलावा एक आईफोन 6 को इन्होंने एक बार फोन को स्लो कर दिया, एक अपडेट दिया, लोगों ने अपडेट कर लिया, फोन स्लो हो गए। लोग कह रहे हैं लग रहा है फोन स्लो हो गए, लेकिन बोले कौन? फिर एक डेवलपर ने चेक किया, उसने बताया कि आईफोन जो 6 है वो नॉर्मली फोन से स्लो है। शोर मचा, हल्ला कटा, बाद में एप्पल वालों ने कहा हमने स्लो कर दिया, एक्चुअली सॉरी एक्सक्यूज मी, क्योंकि जो लिथियम आयन बैटरी होती है वो एक समय बाद कम हो जाती है, उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, तो हमने फोन स्लो कर दिए ताकि फोन की परफॉर्मेंस बनी रहे। तो ग्राहकों को कौन बताएगा बे, हम खुद से पता लगाएं? तुमने थोड़ी बताया है, हमने पकड़ा है ना तुम्हें, अबे हमें क्यों नहीं बताते? तुम्हारे अपडेट करने से तो हम डरते ही रहेंगे। अनबॉक्स थेरेपी की एक वीडियो आई जिसमें आईफोन 6 ऐसे मुड़ गया भाई, वो वीडियो पे बहुत कलेश हुआ, और इसके बाद उन्होंने कहा हमने नहीं है, फोन फेक है, जो ये बना रहे हैं वो आईफोन है ही नहीं। बाद में चेक किया, बाद में और वीडियो बनी, तो ऐसे ही बहुत लोगों के फोन मुड़ जाते थे, बैठ जाते थे बेचारे, उनके मुड़ जाते थे, बैग में पड़े पड़े मुड़ गए। फिर एप्पल वालों ने हाँ एक्चुअली टिचकुली हमारी ही गलती है, हो गया हम पे, फिर पेनल्टी हुई। ये सदा से झूठ बोलते हैं, सदा से लोगों पर ही इल्जाम लगाते आए हैं। यदि तुम आईफोन 12, 13 वगैरह खरीदना चाहते हो पुराना इनका, तो इनका कोई अपडेट आ जाए तो कर मत लेना, हो सकता है क्या चालूपना कर दें और तुम आईफोन 15 खरीदने के लिए मजबूर कर दें। और ये जो तुम पहले ही प्री ऑर्डर वाले फोन करते हो ना कि हम पहले बनेंगे प्रो आईफोन 15, हट, अबे भाई पहले फोन को खरीदो ही मत, ये प्री ऑर्डर करो ही मत, पहले भी कई लोग मरे हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो सैमसंग नोट 7 का है, सुसरा फट गया, लोगों के फेफड़े कांप उठे, फिर घर घर जाके सैमसंग ने वो फोन वापस लिए, और ऐसे आईफोन 15 में आते ही साले में स्क्रैच, आंखें टेढ़ी, कैमरा टेढ़ा। हो सकता है एप्पल लोगों की ही गलती निकाल दे, कह दे कि फोन में कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी बॉडी में ही दिक्कत है। ये जो तुम प्रो बनने के चक्कर में इन कंपनियों को चढ़ाए जा रहे हो ना, अरे भैया किसी एक्सपर्ट अनबायस की वीडियो आ जाने दिया करो, महीने 2 महीने 6 महीने रुक जाओ, तो ये फोन लेने की जल्दी मत किया करो, मर नहीं जाओगे तुम, फोन है कोई ग्लूकोज की बोतल नहीं है, और ये सदा से तुम्हें लूटते आए हैं।
टाइप सी बहुत पहले देना था, जब इन पे डंडा हुआ पीछे से तब जाके इन्होंने टाइप सी दिया है, और हर बार हजारों बार ये लोगों की गलती ही निकालते आए हैं। और जो नए आईफोन 15 आ रहे हैं, तैयार बैठे रहो इनको वापस कंप्लेन करने के लिए, चुप मत बैठ जाना, क्योंकि बहुत चालू हैं। आईफोन 12 अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से हटा दिया, किसी ना किसी तरह तुम्हें आईफोन 15 खरीदने के लिए पुश करते रहेंगे। ये जो बिना कुछ करे तुम्हें लूटे जा रही है, और तुम्हें लूटे जा रहे हो, इनके फोन को देख के बस यूं ही कह दिया करो, आ